Hey guys, welcome to Gadgets Life. So, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल का एंड इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो थी 17 से लेकर 18 अक्टूबर, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे इसकी डेट रिवील हो चुकी है एंड जैसे ही दशहरा सेल खत्म हुई उसके बाद यहाँ पे दिवाली सेल का टीजर आ चुका है। सो फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल स्टार्ट होगी 11 अक्टूबर से एंड ये सेल चलेगी 16 अक्टूबर तक एंड इवन प्लस मेंबर्स के लिए सेल 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि आज रात 12 बजे से। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जट क्या आपको इस सेल में कोई भी आईफोन परचेस करना चाहिए एंड क्या ये पर्टिकुलर सेल अच्छे डिस्काउंट्स वाली लास्ट सेल होने वाली है। सो गाइस, इसका आंसर है यस। फ्लिपकार्ट पे साल की सबसे बड़ी सेल होती है बिग बिलियन डे सेल एंड उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं वो होती है बिग दिवाली सेल एंड डेफिनेटली आपको इस सेल में दशहरा सेल से ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। बट ऑब्वियसली इस सेल में जो आईफोन्स की प्राइसिंग होगी बीबीडी सेल जितनी नहीं होंगी बट काफी क्लोज होंगी एंड आपको जो ऑफलाइन मार्केट में प्राइसिंग मिल रही है अभी के टाइम पे उससे काफी बेटर प्राइसिंग होगी एंड इसी के साथ इस बार भी ऐसा हो सकता है कि बीबीडी सेल की तरह ही कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको यहाँ पे अच्छी प्राइसिंग मिले उसके बाद प्राइसिंग हाइक हो जाए। सो इस बार भी अच्छे डिस्काउंट्स लेने के लिए आपको ट्राई करना है तब आप जल्द से जल्द ऑर्डर प्लेस कर लें। सो बात करते हैं कार्ड ऑफर्स की। फ्लिपकार्ट ने इस बार मेंशन करा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड एंड इसी के साथ इस बारी SBI बैंक के कार्ड्स पे आपको ऑफर मिलेगा, बट यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है दैट क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, बट हमेशा की तरह ही आपको क्रेडिट कार्ड पे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा एंड इन केस अगर डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलता है तो थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड। सो बात करते हैं iPhone 11 की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की। सो बिग दिवाली सेल में इसकी प्राइसिंग जा सकती है एज लो एज 32 से लेके 33,000 रुपीज विदाउट कार्ड ऑफर्स एंड कार्ड ऑफर्स को अप्लाई करने के बाद अराउंड 30 से लेके 31,000 रुपीज एंड इसी तरह 128GB मॉडल की अराउंड 40 से लेके 41,000 रुपीज विदाउट कार्ड ऑफर्स एंड आफ्टर कार्ड डिस्काउंट्स 37 से लेके 38,000 रुपीज। वही बात करें iPhone 12 mini की एंड सेल में इसकी प्राइसिंग जा सकती है एज लो एज 36 से लेके 37,000 रुपीज एंड कार्ड ऑफर्स को अप्लाई करने के बाद 33 से लेके 34,000 रुपीज एंड फॉर 128GB वेरियंट अराउंड 44,000 रुपीज एंड आफ्टर कार्ड डिस्काउंट्स 40 से लेके 41,000 रुपीस। वहीं अगर हम बात करें iPhone 12 की इन बिग दिवाली सेल, सो हो सकता है दैट बीबीडी सेल की तरह ही iPhone 12 की कोई भी अच्छी डील ना आए, सो इसके लिए वी हैव टू वेट एंड सी। फाइनली बात करते हैं iPhone 13 की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की। सो अभी करंटली इसके बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है 60,000 रुपीस एंड इस पर्टिकुलर सेल में इसकी प्राइसिंग जा सकती है एज लो एज 56 से लेके 57,000 रुपीस विदाउट एनी ऑफर एंड कार्ड डिस्काउंट्स को लगाने के बाद अराउंड 53 से लेके 54,000 रुपीस, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील है, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो एंड फॉर 256GB वेरिएंट अराउंड 65,000 रुपीस एंड आफ्टर कार्ड डिस्काउंट्स अराउंड 62 से लेके 63,000 रुपीस। वहीं अगर बात करें iPhone 14 या फिर iPhone 13 Pro सीरीज की, सो लेटेस्ट iPhone 14 सीरीज पे कोई भी डिस्काउंट्स नहीं आने वाले हैं, जितनी प्राइसिंग अभी है एग्जैक्टली सेम प्राइसिंग रहेगी। वहीं बात करें iPhone 13 Pro सीरीज की, सो हो सकता है दैट इस पे भी कोई अच्छे डिस्काउंट्स ना मिले एंड इफ अगर आते भी हैं तो उनकी प्राइसिंग 1 लाख रुपीज से ऊपर ही रहेगी। सो गाइस लेट्स सी। सो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल। सो आप लोग इस पर्टिकुलर सेल में कौन सा आईफोन परचेस करने का प्लान कर रहे हो एंड स्पेशली बीबीडी सेल में जिस तरह की चीजें लोगों के साथ हुई, क्या आप लोग फ्लिपकार्ट की इस सेल में शॉपिंग करोगे या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नहीं हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।